समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अग्निपथ योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी और नौकरी ऑफर करने वाले उद्योगपतियों पर हमला बोला है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए दो ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने भाजपा को अपने उन सदस्यों और समर्थकों की लिस्ट जारी करके चुनौती दी है जो अपने बच्चों को अग्निवीर बनाने के लिए भेजने वाले हैं, तो वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने अग्निवीरों के लिए नौकरी का वादा करने वाले उद्योगपतियों पर हमला करते हुए उन्हें चुनौती दी कि पहले आज के सेवानिवृत्त सैनिकों को तुरंत अपनी कंपनी और कार्यालय में नौकरी प्रदान करें। अखिलेश ने अपने ट्वीट में भाजपा को घेरते हुए लिखा है कि अग्निवीरों को भविष्य में अपनी कंपनियों और कार्यालयों में नौकरी देने का जो भी भारी वादा बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, उनके उस वादे पर युवा भरोसा कर सके, इसके लिए हम ऐसा वादा करने वालों का सहयोग करना चाहते हैं। साथ ही अखिलेश ने कहा कि उन्हें आज के सेवानिवृत्त सैनिकों की सूची तत्काल भेज रहे हैं। वो उन सेवानिवृत्त सैनिकों को तुरंत अपनी कंपनियों और कार्यालय में नौकरी देकर अपने वादे की सत्यता और गंभीरता अभी साबित करें, जिसमें भावी अग्निवीर उन पर 4 साल बाद भरोसा कर सके। भरोसा कथनी नहीं करनी से पैदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।